हेलो हाय, नमस्कार फ्रेंड। मैं अमित कुमार और आप देख रहे हैं वेब करो यूट्यूब चैनल। और जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ, फेसबुक इंसेंट आर्टिकल से पैसे कैसे कमाएं, और इस वीडियो में पूरा सेटअप करना बताऊंगा। पिछले वीडियो में आपको पेज क्रिएट करना ओवरव्यू किया था, तो पार्ट वन अभी तक नहीं देखे हैं तो मैं आई बटन पे भी या फिर वीडियो का लास्ट में दे दूंगा, उसको प्ले करके चेक कर सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे मेरे पास सब डोमेन पे एक वर्डप्रेस इंस्टॉल किया हूँ, डेमो के लिए आपको दिखा सकूँ अच्छे से स्टेप बाय स्टेप। तो बने रहिए, और ब्लॉगिंग से रिलेटेड या फिर अर्निंग से रिलेटेड ऐसे वीडियो देखना चाहते हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि मैं आपके साथ ऐसे ही नॉलेज शेयर करता रहूं। तो यहाँ पे देख सकते हैं मैं फेसबुक पेज पे आ गया हूँ, और जैसे ही पेज पे आने के बाद से मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे मैं इस एक डेमो के लिए ऑल हिंदी मेल पे एक पेज क्रिएट किया हूँ, बस डेमो के लिए आपको दिखाने के लिए। आप मेरे पेज को फॉलो कर सकते हैं फ्रेंड, ऑल हिंदी में हेल्प सर्च कीजिए, फॉलो कीजिए। और वहाँ पे ये पेज क्रिएट करने के बाद से आपको यहाँ पे देखेंगे पब्लिशिंग टूल मिलेगा। मैं उस वीडियो में बताया था कि डायरेक्ट आप इंसेंट आर्टिकल सर्च के कर करके भी जा सकते हैं, बट वहाँ पे मेरा ऑप्शन नहीं आ रहा था कुछ चीजें का। अब यहाँ पे देखिए इंसेंट आर्टिकल, इसके अंदर देखिए कॉन्फ़िगरेशन, यहाँ पे आपको क्लिक करना है। और इसके इसके अंदर आप देख सकते हैं मोनेटाइजेशन, प्रोडक्शन आर्टिकल, डेवलपमेंट आर्टिकल। तो ये सब क्या होते हैं मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले आप देख सकते हो स्टेप वन में आपको करना क्या है, यहाँ पे ऐड योर टीम पेज, ये सब मैं आपको सारा कुछ बताऊंगा, आपको कुछ टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, सॉरी यहाँ पे बारिश हो रही है, तीन स्टेप आपको फॉलो करने हैं। और यहाँ पे अगर आप फॉलो कर लेते हैं, देखिए सबसे पहले इंसेंट आर्टिकल को आपको सेटअप करना है। इसके लिए क्या करेंगे आप देख सकते हो यहाँ पे ऑथराइज योर साइट, अब यहाँ पे क्लिक करेंगे, सबसे पहले ऑथराइज योर साइट, अपनी वेबसाइट को ऑथराइज करना है। तो जो मेरी वेबसाइट है, मैं यहाँ पे ये वाली जो वेबसाइट है फ्रेंड, इस वेबसाइट का मैं URL यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। सॉरी बैकग्राउंड में थोड़ा सा आवाज आएंगे क्योंकि अभी यहाँ पे बारिश हो रहा है। उससे पहले आपको करना क्या, देखिए इंसेंट आर्टिकल यहाँ पे WP प्लगइन, तो आपको यहाँ पे क्लिक करना है। और यहाँ पे क्विक सेटअप आप देख सकते हो, सबसे पहले आपको प्लगइन को इंस्टॉल करना है और इस प्लगइन को सर्च करना है, ठीक है। सर्च करने के बाद से देखिए मैं आपको बता रहा हूँ, सॉरी बैकग्राउंड में थोड़ा सा आवाज आएंगे आपको क्योंकि बारिश हो रहा है यहाँ पे और मैं वीडियो अभी बंद करने वाला नहीं हूँ। तो यहाँ पे देखिए अभी इंस्टॉल हो रहा है प्लगइन, आवाज आ रहे होंगे आपको बैकग्राउंड से, इसके लिए सॉरी क्योंकि बारिश हो रहा है यहाँ पे। अभी ये प्लगइन एक्टिवेट हो गया है, इंसेंट आर्टिकल फॉर WP एक्टिवेट पे आपको क्लिक करना है और आपको अपने पेज में जाना है, ये ID कॉपी करना है, ये वाला देख सकते हो, सेटिंग पे क्लिक करना है। आप सेटिंग यहाँ से भी कर सकते हो, और बाय डिफॉल्ट ये ID आपका ले लिया है पेज ID, तो मैं पेज ID यहाँ पे ये वाला है मेरा, ठीक है। और वो शायद इससे पहले मैं सेटअप वगैरह किया था दूसरी वेबसाइट में, इसलिए वो ले लिया है, तो क्योंकि दूसरी वेबसाइट थी वो। अब आपको यहाँ पे सेव करना है, सेव करने के बाद से आप एक काम कर सकते हो, इस कोड को आप चाहो तो हेड के मेटा हेड के अंदर आप इसको रख सकते हो, यहाँ पे थीम एडिटर में जा करके। मैं आपको दिखा देता हूँ, हर एक चीज़ बता देता हूँ ताकि आपको दिक्कत ना हो। यहाँ पर देखिए थीम एडिटर हेडर में जाना है, यहाँ पे इंटर करना है और कोड को पेस्ट कर देना है, ठीक है। जैसे ही आप पेस्ट करेंगे फ्रेंड, यहाँ पे होने के बाद से आपको यहाँ पे सबमिट करना है, ये देखिए सबमिट का ऑप्शन है, यहाँ पे सबमिट कीजिए। अब यहाँ देखिए साइट क्लेम हो गया, सक्सेसफुली हो गया है। उसके बाद से आपको करना क्या है, तो फ्रेंड जैसा कि आप देख सकते हो, तो यहाँ पे हमने वेबसाइट को अपडेट कर दिया URL को। उसके बाद से यहाँ पे देखिए लिखा है प्रोडक्शन RSS फीड, अब यहाँ पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद से आपको अपनी वेबसाइट का नाम और उसके बाद से आपको RSS फीड लिखना है। जैसे कि मैं यहाँ पे वेबसाइट का नाम, और यहाँ पे देखिए सबसे पहले आपको करना क्या है, यहाँ पे मैं एक URL सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद से आपको करना क्या है, यहाँ पे वेबसाइट का देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे देख सकते हो, मैं जूम करके आपको दिखा देता हूँ। देखिए सबसे पहले आपका क्या है, वेबसाइट का नाम है इतना, उसके बाद से feed/insent-article, ये URL आपको इतना इंटर करना है, आप देख सकते हो यहाँ पे। उसके बाद से आपको यहाँ पे सेव कर देना है, सेव करने के बाद से आप देख सकते हो योर फीड अपडेटेड सक्सेसफुली, फीड आर ए रिफ्रेश मल्टीपल टाइम फॉर एवरी हावर्स, तो थोड़ा सा वेट कर लेना है, ये फीड ऑटोमेटिक रिफ्रेश होता रहेगा और अपडेट होता रहेगा, ठीक है। अब आपको करना क्या है, देखिए इसके बाद से आपको करना क्या है, फीड भी सबमिट हो गया, URL भी सबमिट हो गए, अब अपनी वेबसाइट में कॉन्टेंट लिखना है यहाँ से और अपडेट करना है, ताकि RSS फीड की मदद से यहाँ पे अगर आप कंटेंट लिख लिए हैं तो उसको एडिट करके अपडेट करते रहिए। अगर आप ये सोच रहे हैं कि मैं अपनी वेबसाइट में 100 पोस्ट लिख गया हूँ और आज इंस्टेंट आर्टिकल के लिए अप्लाई कर रहे हैं,
तो वो लेगा नहीं, आपको अपडेट करना होगा, वरना कि वो आर्टिकल लेगा नहीं। ये इस तरह से आप अपडेट कर सकते हैं, बस थोड़ा सा अपडेट कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए आपको करना क्या है, कॉन्फ़िगरेशन पे हम गए, और भी बहुत सारी चीजें हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ, जूम आउट करते हैं। यहाँ पे हमारा साइट कनेक्ट हो गया, उसके बाद से फीड भी सिलेक्ट कर लिए, ये देख सकते हो फीड भी सिलेक्ट कर लिए, अभी एक भी एरर नहीं। उसके बाद से आपको स्टाइल में जाना है, स्टाइल में जाने के बाद से आप स्टाइल ऐड कर सकते हो, यहाँ पे बाय डिफॉल्ट है, मतलब कैसा दिखाना चाहते हो। ये देखिए हेडर लोगो आप यहाँ से चेंज कर सकते हो, लोगो यहाँ पे आपका फेसबुक पेज का नाम है, यहाँ पर लाइक बटन आएगा, लोगो चेंज कर सकते हो यहाँ से, और ये आर्टिकल जैसे कि आप देख सकते हो इस तरह से आपको दिखाई देंगे, टाइटल स्टिकर वगैरह यहाँ से कलर चेंज कर सकते हो, यहाँ पे आपको दिखाई देंगे। मैं इसको क्लोज करता हूँ, बाय डिफॉल्ट रहने देता हूँ, ठीक है। उसके बाद से ज्यादा ये अब उसके बाद से एक सेटिंग करना है आपको, देखिए ऑडियंस नेटवर्क का करना है यहाँ पे, ऑडियंस नेटवर्क काफी यूजर करने के बाद से पैसे कमाने के लिए ऑडियंस नेटवर्क को यहाँ से अलाउ नहीं करते। अभी देखिए यहाँ पे आपको एक्सेप्ट बटन मिलेगा, आप यहाँ पे क्लिक करना बाय चेकिंग दिस बॉक्स, तो यहाँ पे आपको क्लिक करना है ऑडियंस नेटवर्क और गेट स्टार्ट पे आपको क्लिक कर देना, बस एक छोटा सा काम करना है, यहाँ पे क्लिक करना है। उसके बाद से यहाँ पे क्लिक करने के बाद से आप देख सकते हो यहाँ पे अभी आपको मैसेज आएगा, साइन अप फेल्ड डू यू टू अननो सोर्स यहाँ पे सिस्टम। तो अभी देखिए थोड़ा सा यहाँ पे एक एरर आ रहा है, अभी सही हो गया, अभी ये सही हो गया, आप देख सकते हो यहाँ पे। तो फ्रेंड यहाँ पे देख सकते हैं अभी हमारा ऑडियंस नेटवर्क पे आपको जाना है और करना क्या है, देखिए यहाँ पे फेसबुक ऑडियंस नेटवर्क है, यहाँ पे क्लिक कीजिए, क्लिक करने के बाद से यहाँ पे स्टार्ट नाउ पे क्लिक कर देना है, और यहाँ पे आपको देखिए मोनेटाइजेशन नाउ पे क्लिक करना है, और यहाँ पे आपको बिजनेस ये आपका देख सकते हो, ये इस कुछ इस तरह से आपको डाटा दिखाई देंगे, पे आउट आप यहाँ से चेक कर सकते हो, और आप यहाँ पे ऐड पेमेंट मेथड अकाउंट वगैरह जो भी आपको ऐड करना है, पेमेंट आईडी वगैरह यहाँ से ऐड कर सकते हो, इंडिया सेलेक्ट कर सकते हो, उसके बाद से यहाँ पे बिजनेस टाइप सेलेक्ट कर सकते हो और देन यहाँ से कर सकते हो, ये बिजनेस है। तो अभी आपको देखिए यहाँ पे करना क्या, देखिए सारा कुछ तो सेटअप हो गया है, अभी यहाँ पे ये सब सेटअप हो गया, स्टेप वन स्टेप टू में हम लोगों ने साइट को सबमिट किया है, अभी रिव्यू में जाएगा, आर्टिकल चाहिए वेबसाइट पर, तो ये सारा कुछ अगर आप करते हैं तो आपकी वेबसाइट पे इंस्टेंट आर्टिकल के जो फीड हैं वो आना स्टार्ट हो जाएंगे, और फिर आप इसके थ्रू फीड के थ्रू पैसे कमा सकते हो फेसबुक के जरिए। ब्लॉगर का अगर आपको चाहिए ब्लॉगर पे वेबसाइट है तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए, और देन उसका रिप्लाई मैं बहुत से जल्द करूँगा। थैंक यू फ्रेंड।